हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे लो, और मैं भी ठीक हूँ। गाइज, अभी मैं छत पे बैठी हूँ, आप लोग देख सकते हैं लो, और अभी नाश्ते का टाइम है सुबह सुबह। तो मैं केक खा रही हूँ और चॉकलेट खा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता करने का मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं धूप लेने बैठी हूँ छत पर। तो छत पर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए आप लोग। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, हम लोग छत पर आए हैं लोग गागल लेकर, और गागल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये फल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट फल है। और हम लोग यहाँ पर नमक, काला नमक छड़क छड़क के खा रहे हैं लोग, देखिए लो आप लोग। तो गाइज, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग छत पर आकर गागल खा रहे हैं लोग, क्योंकि धूप में खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, ठंड का मौसम है। और ये है मेरी बहन और ये है हम लोग का गागल काला नमक। गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम सब उठ चुके हैं लोग। हम भाई बहन, अम्मी तो पहले ही उठ गई थी, 7-8 बजे अम्मी उठ गई थी, और हम भाई बहन अभी उठे हैं लोग 10 बजे, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो सुबह में आँख खुल भी रहा है तो उठने का मन नहीं हो रहा है, रजाई में से निकलने का मन नहीं हो रहा है तीनों आदमी को। तो हम तीनों आदमी उठ चुके हैं लो, और सबसे पहले उठते उठते हम लोग का काम रहता है अपना। तो उठने के बाद सबसे पहले जो हम लोग का मेन काम होता है, बेड सही करना। तो उतारोगी हमको? तो बेड सही करना, तो अब हम चादर बिछा रहे हैं अपने बेड पर, चादर चेंज कर रहे हैं, और फिर झाड़ू लगाएंगे लो, और उसके बाद ब्लॉग में एंड तक बने रहिए लो आप लोग। तो उधर का चादर मैं चेंज कर चुकी हूँ, इधर का बाकी है, और जो चेंज हुआ है वो सब यहाँ पे है, जो कि धुलने के लिए रखाया है। और वो मेरा भाई है जिसका आज बर्थडे है। तो गाइस, चादर चेंज हो चुका है और यहाँ पे मैं मटर छुड़ा रही हूँ आज का खाना बनाने के लिए, मटर पुलाव आज अम्मी बनाएंगी, तो उसके लिए मैं मटर छुड़ाई हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं दे देती हूँ किचन में, ताकि अम्मी बनाए। और क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो आज बनेगा जर्दा पुलाव। मारो मत हमको। अच्छा, ये चुरा के बैठी है ड्राई फ्रूट। तो आज भाई का बर्थडे है, तो इसलिए आज बनेगा जर्दा पुलाव। और वैसे आज जुम्मे का दिन भी है, तो जर्दा पुलाव जुम्मे के दिन हमेशा बनता ही है। मीठे में बनाना चाहिए, तो इसलिए अम्मी बोली हैं कि ड्राई फ्रूट को काट दो। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट को काटने जा रही हूँ। छोड़ दो। तो गाइज, काटने वाला काम मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं ड्राई फ्रूट निकाल कर दे दी हूँ अम्मी को, जितना पुलाव में डालना है, जितना उसमें पड़ेगा उतना, ठीक है, पुलाव में पड़ने के लिए इतना ठीक है। तो मैं निकाल के दे दी हूँ, अब अम्मी काट लेंगी। ले जाओ फिर दोस्त, दे दो अम्मी को, अम्मी काट लेंगी, ले जाओ। तो गाइज, मैं आई थी बाबू का गिफ्ट लेने मार्केट, और मैं अभी ऑटो में हूँ, अब पहुँचूंगी घर। तो मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं एंट्री कर रही हूँ घर में, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ब्लॉग में एंड तक बने रहिए आप लोग। तो गाइज, मैं अपना ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ, इसलिए कि मुझे खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वो ड्रेस न्यू था, उसमें अगर कहीं मुझसे होता है ना कि मैं खाना कम खाती हूँ, कपड़े पर ज़्यादा गिराती हूँ, तो कहीं दाग वाग लग जाता, तो फिर मम्मी से मेरी पिटाई होती, मारती मेरे को। तो इसी वजह से ड्रेस चेंज की हूँ। तो अब मैं खाना खाने के बाद खा रही हूँ जर्दा पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी बनाई है अम्मी। मेरी अम्मी, मेरी माँ खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ज़्यादा। मेरी माँ के खाने का, खाना बनाने का तारीफ है हर जगह, जितना अच्छा खाना बनाती है। तो इसी वजह से मैं खा रही हूँ यहाँ पे, हाथ से खा रही हूँ। हाथ से खाने का मज़ा ही अलग होता है, चम्मच में कहाँ वो मज़ा। हेलो, हाँ। और भाई का गिफ्ट मैं ला चुकी हूँ, जो कि अभी रखाया है, अभी ओपन नहीं होगा, ओपन होगा, आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए लो, पूरा ब्लॉग देखिए लो, लास्ट में ओपन करवाऊंगी, और उसमें क्या है ये ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। आजा। बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी, बता नहीं सकती हूँ, जैसे एकदम जो शादी में बनता है ना मीठा। आया।
मैं भाई का गिफ्ट लेके जा रही हूँ छत पे, क्योंकि अम्मी भाई बहन सब कोई छत पे ही है, तो क्यों ना छत पे ही ओपन हो जाए गिफ्ट। छत पे मैं भी जा रही हूँ धूप लेने, तो छत पे ही ओपन करवा लूँगी गिफ्ट। तो बस अब इंतज़ार ख़त्म। लेकिन ये साफ बोलता है खाना पानी लाओ, लेकिन खोलो थोड़ा सा तुतला के खोलो, सुनो चो खोले खोलो फिर दो। हाँ तो गिफ्ट ओपन कर रहा है सब दोनों, मेरा भाई बहन दोनों मिलकर गिफ्ट ओपन कर रहा है सब। तो अब इसमें से निकला है एक जूता और एक जूता अंदर रह गया। तो गाइज यही छोटा सा गिफ्ट है जो कि मैं अपने भाई के लिए दी हूँ, क्योंकि मेरे भाई को जूता बहुत ज़्यादा पसंद है, जूता चश्मा मतलब इसको यही सब ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए अपने भाई के लिए मैं जूता दी हूँ। और एक और जूता निकल गया और इसमें है 100 रुपीज़ जो कि मैं डाली थी इसमें, तो अभी नहीं देखा है सब बट मैं दिखाऊंगी। और अब इसको अम्मी पहना रही है वहाँ पे, और है इसमें कुछ निकालो। अब बहन से मैं यहाँ पे निकलवा रही थी पैसा कि निकालो इसमें क्या है, बहन को भी नहीं दिखा है। तो ये है 100 रुपीज़ जो कि मैं अपने भाई के लिए चॉकलेट खाने के लिए डाली हूँ पैसा, और जूता। बस यही है गाइस छोटा सा मेरा गिफ्ट जिसके लिए आप लोग को इतना मैं इंतज़ार करवाई हूँ। तो यही है, और दूर जा दूर जा दिखा दे। पैसा कहाँ रखे हो? पैसा कहाँ रखे, निकालो पैसा दिखाओ तो। हाँ ये 100 रुपये मेरे तरफ से है, रख लो जेब में, रख लो पैकेट में, रख लो। हाँ रख लो, छोटा सा तो पैकेट। तो बम कीने, जूता कीने, कपड़ा कीने, सब। तो गाइज ये था छोटा सा बर्थडे व्लॉग तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि बर्थडे मतलब उतने अच्छे से मनाए नहीं है लोग, क्योंकि मनाने का प्लानिंग नहीं था, बट फिर भी जैसे पूरा जैसे बिरयानी बना है और गिफ्ट बाबू का गिफ्ट मतलब शॉर्टकट में जितना हो पाया है किए हैं लोग, क्योंकि हम लोग बर्थडे मनाते लोग बट प्लानिंग नहीं था। अचानक से हटाओ ना फिर दोस्त मारेगी, ये तो चेहरे पे धूप लग रहा है। हाँ तो यही कहना चाहती हूँ, मतलब अचानक से रात में 2-3 दिन पहले से प्लानिंग था कि बर्थडे अच्छे से मनेगा। कितना ध्यान से सुन रहा है बर्थडे बॉय। हाँ तो 2-3 दिन पहले अच्छे से मतलब प्लानिंग था कि मनेगा, बट कल रात में अचानक से कैंसिल हो गया, और ये कोई वजह है इस वजह से कैंसिल हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो तो करेंगे लो ही। तो बस यही छोटा सा गिफ्ट था, हटाओ ना फिर दोस्त कैमरा के पास से। तो बस यही छोटा सा जो बाबू का गिफ्ट था वो मैं दी हूँ, और बिरयानी बना है मीठा में बना है, और मिठाई उठाई आया है घर पे, और खाना वाना दिलाया है, मिठाई दिलाया है, मतलब जो ये सब होता है ये सब हम लोग किए हैं लोग। तो अब हम लोग चल रहे हैं लोग नीचे। तो गाइज आज सब हो ही गया है मिला जुला कर, सब तैयारी हो ही गया था, जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देखे हैं लोग गिफ्ट बिरयानी और मीठा मतलब मिठाई हर एक चीज़। तो बस एक केक की कमी थी, तो केक भी आ गया, केक भी हम मंगवा लिए हैं। तो गाइज ये है हम लोग का छोटा सा केक, क्योंकि छोटा सा बर्थडे मना है तो छोटा सा केक, और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं लोग। ये भी तो केक ही हुआ ना। हाँ और यहाँ पर बर्थडे बॉय सो रहा है और हम केक खा रहे हैं उसके बर्थडे का, कितना मज़ा आ रहा है मेरे को। गाइज मुझे अभी पछतावा हो रहा है, काश मैं केक भी मंगा दी रहती, मंगाने का क्या था, मैं मंगा दी रहती, मतलब केक मंगाने में क्या जाता, लेकिन प्लानिंग ही नहीं थी। अम्मी मना की थी कि नहीं बर्थडे नहीं मनेगा, बाबू का बर्थडे नहीं मनेगा, तो ये तो जितना जो भी हुआ है ये सब मेरे कहने से हुआ है, नहीं तो अम्मी मना की थी बाबू का बर्थडे नहीं मनेगा, तो बस दिमाग में यही था कि अम्मी मना की हैं बाबू का बर्थडे नहीं मनेगा, इसीलिए हम लोग केक नहीं लेकर आए थे लोग, बस बात ये था। लेकिन अभी पछतावा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी मेरा बर्थडे बाकी है 7 मार्च को, 7 मार्च को बताऊंगी किस मार्च को मनाऊंगी। तो गाइस ये सब उठ गया है सब, अब मैं इन लोगों को टेस्ट कराती हूँ फिर दोस्त केक।
बर्थडे बॉय देख रहा है, बर्थडे बॉय को देते हैं। बाबू केक, बाबू केक, बाबू तेरे बर्थडे का केक खिला तो। बाबू केक लो, केक नहीं जा रहे, खा ले, खा ले। गाइस एक तरफ से और गिफ्ट इनको मिल चुका है, नहीं आ रहा तुम्हारा फिर। गाइस एक तरफ से और इनका गिफ्ट मिल चुका है सेलिब्रेशन, तो बहुत खुश हैं लाला लल्ला। और दोनों को ठंडी लग रही है, जैकेट पहना है सब। तो चॉकलेट खाने के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करिए और कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना ना भूलिए।